शनिवार को आंवले क्षेत्र के किसान फिर से थाने पर पहुंचे और बताया कि आंवले के एक किसान की कपास की फसल चौपट करने के बाद आज एक दूसरे किसान को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया है। थाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर थाना प्रभारी तारा मंडलोई को आवेदन दिया है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को स्थानीय किसान गजानंद के 3 से 4 एकड़ खेत में कपास की फसल किसी अनजान बदमाश द्वारा पानी में केमिकल मिलाने से फसल मुरझा कर खराब हो गई। ठीक उसी प्रकार स्थानीय किसान मनशाराम नत्थू धनगर की फसल भी शनिवार को केमिकल मिले पानी के प्रयोग करने से 3 से 4 एकड़ में लगी कपास का रकबा खराब हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित किसान अंजड़ थाने में पहुंचे और टीआई तारा मंडलोई से संबंधित बदमाशों पर कार्यवाही करने के लिए और मुआवजा देने की मांग की गई। क्यों आए थाने पे? एक कपास में दवाई छिड़की। कहाँ पे खेत है आपका? कितने एकड़ कपास में खराबी आई है? 2 से 2.5 एकड़। अभी थोड़े दिन पहले भी आपके यहाँ पे ऐसा हुआ था? गजानन के यहाँ मेरा काका का लड़का है, उनके घर भी है। ये लगातार आपके क्षेत्र में इस तरीके की कोई बदमाशी कर रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बाद में शंका है, लेकिन अभी नाम नहीं उसका बता सकते हैं ना। कितना नुकसान हुआ आपका? 2 से 2.5 एकड़ का है और प्रतिबंध 2 लाख करीब। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के अंजड़ से ब्यूरो रिपोर्ट।